Welcome you all in DSA 450 question by Love Babar and this is Sahil. So we are going to discuss question number 20 जिसके अंदर अपन को क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अल्टरनेटिव अरेंज करना है. तो वो अपन पहले लॉजिक सीखेंगे उसके बाद इसका कोड देखेंगे. एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. तो अब अपन देखते हैं कि रीअरेंज कैसे किया जाएगा इन एलिमेंट को अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो इसको मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले जैसे कि आपने लिया अल्टरनेटिव में नेगेटिव पहले आएगा, देन पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस फॉर्म में ये जनरेट हो गया है. तो अपन को इस तरीके की अप्रोच लगानी है, साथ के साथ अपनी जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो बिगो वन ही होना चाहिए, बिगो एन नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए. ऐसी अप्रोच यूज करनी है, यानी कि अपन को कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करना है. जो एरे गिवन है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है. तो वो कैसे करेंगे वो बताऊंगा. उससे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जामिनर इंटरव्यू में पूछ ले और आपको मतलब ये एक्स्ट्रा स्पेस वाली चीज़ें नहीं पूछता, नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको कैसे बताओगे कि सर मैं क्या करूँगा, मैं दो एम्प्टी वो लूँगा एरे, एक तो पॉजिटिव के लिए, एक हो गया नेगेटिव के लिए, ठीक है, और एक ही अपना हो गया ये वाला. तो सर जब भी मेरी वैल्यू ए ऑफ आई की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो उसको मैं पॉजिटिव में डालूंगा, और मतलब एल्स वाला पार्ट वो किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा. अब फिर मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी एरे होगा या फिर ये एम्प्टी हो जाएगा, तो क्या करेंगे पॉजिटिव वाला मतलब सर फर्स्ट वाले को सबसे पहले नेगेटिव में डाल देंगे, फिर सेकंड एलिमेंट आएगा उसको पॉजिटिव में डाल देंगे, फिर इसका सेकंड एलिमेंट थर्ड पे आ जाएगा, फिर इसका एलिमेंट फोर्थ पे आ जाएगा. तो इस तरह से मैं कर सकता था अगर मेरे को ये कंडीशन नहीं गिवन होती, बट ये कंडीशन दे दी है तो इसको दूसरी अप्रोच से हमें करना पड़ेगा. अब अप्रोच क्या है, ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि आपको दोबारा कोई वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से ये क्वेश्चन अभी समझाने वाला हूँ मैं आपको. तो इसको मैं करने के लिए, देखो ये वाला क्वेश्चन था अपना, ठीक है, तो इसको करने की एक अप्रोच बता रहा हूँ मैं करूँगा इसको शिफ्ट करके, यानी कि माइनस वन को शिफ्ट कर दूंगा, थ्री को इधर शिफ्ट कर दूंगा. तो शिफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू मैं इसको करूँगा ताकि मैं इस एरे को ही यूज करूँ, एक्स्ट्रा एरे मुझे यूज नहीं करना पड़े. तो मैं देखो पॉजिटिव के लिए एक पॉइंटर चलाता हूँ आई, और नेगेटिव का पॉइंटर चलाता हूँ जे, जो लास्ट से स्टार्ट होगा. तो इसकी वैल्यू हो गई एन माइनस वन और इसकी हो गई जीरो. यहाँ तक आया समझ में. अब देखो मेरा आई कब इंक्रीमेंट होगा, जब मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. अब जैसे पॉइंटर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पता लगा लेगा तब मेरा आई यहाँ पर आ जाएगा. इसी प्रकार ये कब चलेगा, जब इसको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. इसको नेगेटिव वैल्यू मिली तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ गया. अभी दोबारा चेक करेगा क्या मेरा ये पॉजिटिव है, तो इंक्रीमेंट हो गया, इस बार यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है. बट यहाँ पे जे चेक करता है क्या ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव नहीं है तो ये यहीं पर ही रुक जाएगा. और जैसे आई के ऊपर भी अब नेगेटिव आ गया है, बट इसको तो चाहिए पॉजिटिव के लिए काम करता है, तो ये क्या करेगा यहीं पर रह जाएगा. अब दोनों क्या करेंगे, आपस में स्वैपिंग कर देंगे. कब, जब आपका इफ़ आई इज़ लेस देन जे, यानी आपका आई यहीं पर ही है और जे इस साइड में है. अगर आई सपोज करो शिफ्ट होते होते यहाँ तक आ जाए और जे शिफ्ट होते होते यहाँ पर आ जाए, तब उस केस में ये वैलिड नहीं होगा. एक चीज़ समझ लो, अब ये वाली प्रोसेस हो रही है तो नया एरे क्या बन गया, माइनस वन माइनस फोर एंड माइनस नाइन, ठीक है. अब मेरा आई यहाँ पे है, ठीक है, और मेरा जे कहाँ था, मेरा जे यहाँ पे. अब इसको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, अब ये मेरा नया एरे बन चुका है, ठीक है गाइस. अब मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिली तो मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, आई यहाँ पर आ जाएगा और जे मेरा इंक्रीमेंट हो गया, जे यहाँ पर आएगा. तो दोनों एक ही जगह आ गए, अब आपको स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब यहाँ पर जे का काम तो होता है ख़त्म. अब अपन ने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ. इससे क्या हुआ, हमने पॉजिटिव को तो एक तरफ कर दिया और नेगेटिव को कर दिया एक तरफ. अब अपन शिफ्ट शिफ्ट करके खेलेंगे. तो कैसे खेलेंगे, मैं एक नया पॉइंटर ले रहा हूँ, लेट सपोज के, जिसका वैल्यू है जीरो, और आई मेरा कहाँ पर है, फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ नेगेटिव. तो नेगेटिव का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, माइनस वन, तो उसी के ऊपर तो है आई. हर केस में ऐसा ही होगा, आई यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले. तो ये क्या होगा, जब भी अगर ऐसी चीज़ होती है कि अगर अपना के एन से छोटा है, मतलब एन तक गई नहीं अभी तक, एंड आपका आई से भी, आई भी आपका एन से छोटा है, कि आई भी अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, दोनों ही केस में तो इन दोनों को स्वैप कर दिया जाएगा, ठीक है. तो स्वैप कर दूँ मैं इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को स्वैप करता हूँ तो वैल्यू क्या आती है बताओ, माइनस वन थ्री सिक्स टू माइनस फोर माइनस का नाइन. यहाँ तक बात क्लियर है क्या गाइस, ये बता दो मुझे फटाफट से. अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये के आ गया आपका और आपका आई कहाँ था, यहाँ पे था. तो आई तो आप प्लस वन से इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है, तो आपका आई यहाँ पर आ जाता है, ठीक है. बट आपका के है वो प्लस टू से इंक्रीमेंट करते हो तो आपका के आ जाता है यहाँ पर. तो अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आ गया, ठीक है. तो अब इन दोनों को स्वैप कर देगा ये बंदा, चेक करेगा ये वाली कंडीशन सही है तो इन दोनों को स्वैप कर देगा. अब इन दोनों को स्वैप करेगा तो वैल्यू बताओ, ये इसको करने के बाद अपना यहाँ पर आ गया. अब के क्या होता है, टू से इंक्रीमेंट होगा, तो टू से इंक्रीमेंट होगा, के पहले यहाँ पे था, ठीक है.
अब के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और अपना आई पहले माइनस फोर पे था, इंक्रीमेंट हो गया माइनस नाइन पे चल जाएगा, तो माइनस नाइन पे आ गया आई। अब ये देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट मैंने क्या बताया था ऐसी पोजिशन हो तो ये आपस में स्वैप कर लेते हैं। तो फाइनली ये गाइस क्या करेंगे, स्वैप कर लेंगे, तो माइनस वन थ्री माइनस फोर टू माइनस नाइन एंड सिक्स। अब के आपका इंक्रीमेंट हो गया आई को भी, मतलब एन को ही क्रॉस कर रहा है वो बंदा, एन को ही क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आई भी आगे एन को क्रॉस कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो ये क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट होगा। लूप से बाहर आ जाएंगे तो ये फाइनली एरिया अपन को मिल जाएगा। और अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपन ने रीअरेंज कर दिया इनको अल्टरनेटिवली, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका कोड। तो इस कोड में हमने क्या किया है, एरिया को सबसे पहले इनिशियलाइज करा, एन इक्वल टू ए डॉट लेंथ करी, एक फंक्शन यूज करा, फाइनली उसको प्रिंट करा। अब देखते हैं ये फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है। तो चलो सबसे ऊपर फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर आई पॉइंटर वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है और जे पॉइंटर सबसे लास्ट एन माइनस वन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब वाइल लूप कब तक चलेगा, जब आई इज लेस देन जे। अब वाइल लूप कब चल रहा है, जब आई इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन और ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा हो तो तब आपका आई इंक्रीमेंट कर देना, अदरवाइज जे माइनस माइनस कर देंगे। लेस देन के केस में यानी नेगेटिव केस में जे को माइनस करना है और पॉजिटिव के केस में आई को प्लस प्लस करना है। और अगर i लेस देन j है तो दोनों को स्वैप करना है। यही बात बताई थी कि दोनों अलग अलग जगह पे आ जाए, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आए तो दोनों को स्वैप कर दो। तो भाई अब देख लेते हैं कि ये स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है। तो स्वैप फंक्शन कुछ ही नहीं कर रहा है, एक वेरिएबल लेते हैं उसके थ्रू हम स्वैपिंग कर लेते हैं सिंपली। अब आगे देखते हैं कि i इक्वल टू जीरो हो या n तक चल जाए तो सिंपली रिटर्न करो, बिल्कुल अगर लास्ट तक चल गया i तो रिटर्न कर देने का। अब एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ मैं k, के इक्वल टू क्या कर रहा हूँ उसको जीरो, सबसे पहले जीरो पर है। अब आई की पोजीशन कहाँ है मैं बताऊँ, सबसे लेफ्ट मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है उस पर है आई की पोजीशन, अगर आपको लॉजिक ध्यान से पता है तो। तो फिर उनको क्या करना है, सबसे पहले स्वैप करना है, उसके बाद आई को एक से इंक्रीमेंट करना है और के को दो से इंक्रीमेंट करना है, बस यही लॉजिक लगाना है पूरी के अंदर। और स्वैपिंग का प्रोसेस आपको पता ही है। अब रन करके देख लेते हैं कि फाइनल आउटपुट इसका क्या आ रहा है। तो सी गाइज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका सिंपल सा कोड, और इसको बोलते हैं लोग टफ है, लेकिन मैंने इसको बना दिया आपके लिए सिर्फ इजी। अब आपसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे, अगर आप फ्री हो गए हैं कोड वोड सीख कर दो। तो देखिए गाइस, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे पहले तो, और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही तो एक लाइक बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छे इंजीनियर बन सके अपनी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए ये सीरीज मैंने चालू की थी इसी दिन के लिए। सो इतना ही कहना था। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।